दोस्तों, अगर आपने पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन ले रखा है या फिर अगर आप इस योजना के तहत लोन लेने की सोच भी रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट देना होगा, साथ ही में आपकी यहाँ पर ईएमआई क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है वो अलग अलग लोन पर कितनी रहने वाली है, साथ ही में आपको यहाँ पर जो इंसेंटिव मिलता है वो कैसे मिलेगा, साथ ही में इसका जो लोन के इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का और जो सारी कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप इस चार्ट से करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में एक और वीडियो बनाया था। वहां पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो सरकारी स्कीम होती है इनके तहत लोन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आकर देखेंगे तो यहां पर इस योजना के तहत फर्स्ट टर्म का जो लोन है इसके तहत दोस्तों यहां पर लगभग 68 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया था और इसके बाद में यहां पर लगभग 55 लाख लोगों का लोन सैंक्शन हुआ है, जिसमें से यहां पर 51,51,000 लोगों को लोन दिया भी जा चुका है। मतलब कि दोस्तों, यहां पर जो इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत फर्स्ट टर्म का जो 10,000 का 10,000 रुपए का जो पहला लोन होता है वो यहां पर 51.5 लाख लोगों को दिया जा चुका है और लोग यहां पर कंप्लेंट्स करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन नहीं मिल पाता है। इसके बाद में अगर हम यहां पर सेकंड टर्म लोन की बात करें तो इसके तहत भी यहां पर लगभग 19 लाख के आसपास एप्लीकेशन आ चुकी है, जिसमें से यहां पर 15,36,000 लोन सैंक्शन हुए हैं और इसमें से भी लगभग 14,47,000 लोगों को लोन दिया भी जा चुका है। मतलब कि 20,000 का जो लोन है ये भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोगों को दिया जा चुका है और इसके अलावा जो थर्ड टर्म लोन है इसके तहत यहां पर लगभग 1,73,552 लोगों को थर्ड टर्म मतलब कि 50,000 रुपए का लोन भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम होती है इसके तहत लोन नहीं दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तभी तो ये स्कीमें बनाई जाती है, तभी तो ये पोर्टल बनाए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उस चार्ट के ऊपर जाकर पूरा इसका कैलकुलेशन समझा देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 3 टर्म के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहला टर्म का लोन है जिसमें आपको 10,000 का लोन दिया जाता है, सेकंड टर्म के लोन में आपको 20,000 और थर्ड टाइप के लोन में आपको जो है यहां पर 50,000 का लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, हम यहां पर जो है सबसे पहले 10,000 रुपए का जो लोन है, जो फर्स्ट टर्म का लोन है, उसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। और दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहां पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का अगर लोन लिया है तो यहां पर आप ऊपर देख भी सकते हैं 10,000 को यहां पर मेंशन किया गया है। तो इसके बाद में जो है आपका यहां पर ईएमआई और बाकी सारा कैलकुलेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहां पर जो है 10,000 का लोन लिया है, इसके बाद में जो है आपको यहां पर हर महीने एज ईएमआई गवर्नमेंट को वापस ये पैसे पे करने होंगे। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट टर्म का लोन होता है जो 10,000 का, ये आपको 12 महीने मतलब कि 1 साल के लिए दिया जाता है। तो यहां पर जो आपका सबसे पहली ईएमआई है ये दोस्तों यहां पर 746 रुपए की होगी और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा सालाना 24% का लगता है, मतलब कि 24% का आपको यहां पर इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इस योजना में 24% लोन तो छोड़ो, उल्टा हमें गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, मतलब कि सब्सिडी मिलती है। तो यहां पर जो है आपका फर्स्ट मंथ का जो यहां पर आपका ब्याज है ये दोस्तों 200 रुपए हो गया, जिस हिसाब से ये 700 और 200 मिलाकर जो आपकी ईएमआई है ये दोस्तों 946 रुपए हो गए। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो फर्स्ट महीने आपको यहां पर 946 रुपए गवर्नमेंट को वापस पे करने होंगे और इसके बाद में गवर्नमेंट जो है यहां पर इस 24% का यहां पर जो आपको ब्याज देना होता है इसमें 7% की यहां पर सब्सिडी देती है। तो दोस्तों, इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट आपको यहां पर 58 रुपए वापस दे देती है और इसके अलावा गवर्नमेंट इस योजना के तहत आपको एक और बेनिफिट देती है कि अगर आप यहां पर डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको यहां पर हर महीने 100 रुपए का जो है कैशबैक दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस से जुड़ी हुई करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो आपको यहां पर 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इस हिसाब से जो है आपको यहां पर टोटल फायदा हो गया 100 रुपए यहां पर कैशबैक के और साथ ही में सब्सिडी के 58 रुपए, कुल मिलाकर आपको यहां पर 158 रुपए का जो है प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों, अगले महीने जो है आपको यहां पर 185 रुपए का ब्याज देना होगा, जिसके बाद में आपकी ईएमआई इस बार भी 946 रहने वाली है। मतलब कि आपकी ईएमआई हर बार यहां पर 945 या फिर 946 रुपए ही रहने वाली है। आप इस पूरे चार्ट को यहां पर देख सकते हैं। सेकंड महीने जो गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी है वो दोस्तों 54 रुपए हो जाएगी और हर बार जो आपका कैशबैक होगा हर महीने वो भी दोस्तों यहां पर 100 रुपए फिक्स ही रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप इन सभी महीनों को यहां पर देखोगे तो फर्स्ट महीने जो है आपको यहां पर 158 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कि 100 रुपए का कैशबैक प्लस 58 रुपए की सरकार आपको सब्सिडी दे देती है। नेक्स्ट मंथ आपको 154 रुपए, थर्ड मंथ 150, फिर 146, 142, 143, 132, 127, 122, 117, 112 और 106, ऐसे कुल
मिलाकर जो है आपको गवर्नमेंट से इस योजना के तहत एज ए कैशबैक या फिर एज ए सब्सिडी आपको यहाँ पर लगभग 1602 रुपये मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि मतलब कि इस योजना के तहत आपने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं और लगातार ये किस्तें चुकाते हैं तो इस हिसाब से जो आपका यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट होगा ये दोस्तों 1348 रुपये होगा। मतलब कि दोस्तों आपने गवर्नमेंट से यहाँ पर 10,001 रुपये का लोन लिया है जिसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है ये 1348 रुपये हो जाता है, जिसके बाद में आपको गवर्नमेंट को यहाँ पर 11,349 रुपये वापस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है उसके आपको 402 रुपये वापस मिल जाते हैं। और इसके बाद में जो कैशबैक मिलते हैं, हर महीने जो 100 रुपये का कैशबैक मिलता है, इससे आपको यहां पर 1200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 1200 और 402 आपको 1602 रुपये का ये प्रॉफिट हो जाता है। चलिए अब कैलकुलेटर ओपन करके मैं आपको बिता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये दो आंकड़े ध्यान में रखने होंगे। पहला 1602 रुपये जो गवर्नमेंट से हमें प्रॉफिट मिलता है और दूसरा 1348 जो यहां पर हमारा टोटल ब्याज होता है। तो दोस्तों हमने यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हम यहां पर सबसे पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहां पर प्रॉफिट मिलते हैं या फिर जो यहां पर हमें एज ए सब्सिडी या फिर कैशबैक के रूप में रुपए मिलते हैं, सबसे पहले उनकी यहां पर एंट्री कर लेते हैं जो 1602 रुपए। इसके बाद में हमें गवर्नमेंट को यहां पर ब्याज कितना देना होगा, तो दोस्तों एज ए ब्याज हमें गवर्नमेंट को 1348 रुपए देने होंगे। तो इसमें से ये 1348 रुपए जो है हम यहां पर माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में यहां पर रिजल्ट आ गया 254 रुपए, मतलब कि हमें यहां पर 254 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब 254 रुपए में से हमें जो है यहां पर 10,001 रुपए माइनस करना है क्योंकि हम गवर्नमेंट से 10,000 या फिर 10,001 रुपए का जो है लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पर अब देख सकते हैं कि अगर आप पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको वापस यहां पर गवर्नमेंट को सिर्फ 9,747 रुपए ही पे करने होंगे। मतलब कि जितना आप लोन ले रहे हैं उसमें से लगभग मोटा मोटी 253 रुपए की आपको छूट मिल जाती है। और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट योजनाओं में फायदा नहीं मिलता या फिर इसमें हमें लोन नहीं मिलता, लगभग 50 से 60 लाख लोगों ने लोन भी ले रखा है और साथ में इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब कि लोन में छूट भी मिल रही है। तो दोस्तों अब अगर आप ये जो चार्ट मैंने स्क्रीन पर दिखाया इसके अलावा भी अगर आप 50,000, 20,000 सारे यहां पर ये चार्ट है ये देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल में आना होगा और गूगल में आने के बाद में आपको यहां पर टाइप करना होगा बाजार तक टाइप करके आपको सर्च करना होगा। फिर आपके सामने ये bazartak.in एक वेबसाइट आएगी, आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और यहां पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहां पर जो है एक सर्च बार देख सकते हैं, यहां पर आपको सिंपली क्लिक करके आपको टाइप कर देना है पीएम स्वनिधि और इसके बाद में सिंपली सर्च कर देना। सर्च करने के बाद में जो है आपके सामने ये पीएम स्वनिधि स्कीम का ये जो आपके सामने एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इसे आप ओपन करके इस योजना की सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही में ये जो चार्ट है वो यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम और लोन से जुड़े हुए अपडेट्स पाते रहने के लिए